देखो एर्थ पार्ट देखो इसका क्या लेके आना है, 7 + 10² + cot² a, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है। यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो मतलब साइन स्क्वायर a प्लस का 2sin a और cos a के, है ना, a का काम कौन करेगा, साइन a, b का काम कौन करेगा, cos a के, प्लस में cos a स्क्वायर a, ये इसकी जगह यूज कर दिया। अब देखो इसकी जगह भी ये यूज करूँगा, तो a स्क्वायर का मीन्स cos स्क्वायर a प्लस 2ab का मतलब 2 cos a और sec a, है ना, 2ab प्लस में b स्क्वायर का मीन्स sec स्क्वायर a, आगे बात समझ में। अब देखो इनको क्या करते हैं, ये प्लस ये ब्रैकेट है ना, प्लस इसको ब्रैकेट को खोल देते हैं, यहाँ पे देखो ये बचेगा इक्वल, लिख लो यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस में 2 sin a इंटू में cos a को मैं साइन की टर्म में क्या लिख सकता हूँ, देखो ये रहा 1 upon sin a प्लस में cos a स्क्वायर a एज इट इज रख दो, ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं क्योंकि प्लस है ना, तो ब्रैकेट हटा देते हैं, प्लस में देखो cos स्क्वायर a एज इट इज प्लस में 2 cos a तो एज इट इज इंटू में sec a को cos की टर्म में क्या लिख सकता हूँ, देखो ये रहा 1 upon cos a, है ना, sec थीटा इक्वल 1 upon cos theta, तो इसको लिख सकता हूँ 1 upon cos a प्लस sec स्क्वायर, आगे बात समझ। अब देखो यहाँ पे है sin स्क्वायर a प्लस में sin थीटा से sin थीटा कट गया, मतलब sin a से sin a कट गया, इधर 2 बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर देखो इधर ये बचा हमारे पास cosec स्क्वायर a, ये बच गया, ये तो कट गया, इधर बचा प्लस में cos स्क्वायर a प्लस में इससे ये कट गया, इधर ये 2 है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, इधर बचा हमारे पास sec स्क्वायर a, आगे बात समझ। देखो ये बचा हमारे पास, ये कट गया, ये बचे। अब देखो साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a क्या होता है, 1, ये बात आप लिख दो यहाँ, साइन स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a इक्वल में 1, तो इनकी इसकी जगह मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया 1 प्लस, इधर 2 बचा, है ना, और इधर क्या बचा, प्लस में cosec स्क्वायर a प्लस में इसकी जगह तो 1 लिख दिया, इधर बचा 2 प्लस में sec स्क्वायर a। अब इसकी इसकी जगह भी आप क्या लिख दो, cos वाला फॉर्मूला, देखो हमें tan और cot बनाना ना, तो cosec का फॉर्मूला tan की टर्म में, देखो ये रहा cosec का फॉर्मूला cot की टर्म में, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं यूज करूँगा, यहाँ पे ये लिख लो cosec स्क्वायर a इक्वल 1 प्लस में cot स्क्वायर a, एक तो ये यूज करूँगा, एक ये यूज करूँगा sec स्क्वायर a इक्वल sec स्क्वायर a का फॉर्मूला, देखो ये रहा 1 + tan² 1 + tan² ये यूज करूँगा यहाँ पे। अब देखो 2 और 2, 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए, तो यहाँ पे ये लिख लो 5 प्लस, इसकी जगह में क्या लिखूँगा, ये 1 प्लस में cot स्क्वायर a, ठीक है, sec की जगह में क्या लिखूँगा, 1 + tan² 1 + tan² आगे बात समझ में। देखो 5, 4, 1, 6 और 1, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस, इधर क्या बचा, cot a, देखो tan है पहले ना, तो tan को पहले लिख लो, एक ही बात, tan स्क्वायर a प्लस में cot स्क्वायर a इक्वल में क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। देखो 5, 4, 1 और 1 कितने हो गए, 7, यहाँ पे cot स्क्वायर है, यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था।